सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पर सरकार निर्माण पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। आज बीजेपी का दल राज्यपाल से मिलने वाला है। आज ही उद्धव ने शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई है और खबर यह भी आ रही कि सभी विधायकों को 5-स्टार होटल में शिफ्ट किया जा सकता है। नौ नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन अगली सरकार किसकी होगी, इस पर असमंजस का काला घना बादल मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच पेंच फंसा है और वक्त रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। संभावनाओं और शंकाओं की इन्हीं परिस्थितियों के बीच आज बीजेपी का एक दल प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की अगुवाई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मौजूदा हालात पर मुलाकात करने वाला है। इनके साथ होगा मुख्यमंत्री फडणवीस का दिया हुआ एक संदेश, जो वो राज्यपाल के साथ साझा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सरकार बनेगी, जनता की सेवा करने वाली सरकार आएगी। जनता ने मतरूपी आशीर्वाद देकर जनादेश दिया है, बड़ा स्पष्ट जनादेश है, जिसमें शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को 161 और हमको जिन्होंने सपोर्ट किया, ऐसा सब मिला के हमारे पास 182 के ऊपर विधायक है। हलचल सिर्फ बीजेपी खेमे में नहीं मची है, बल्कि आज ही उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। खबर यह भी है कि शिवसेना के विधायकों को मुंबई के किसी 5-स्टार होटल में शिफ्ट किया जा सकता है, जिस पर आज की बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। शिवसेना विधायकों की बैठक से पहले पार्टी के मुखपत्र सामना में एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। बीजेपी की खुशखबरी मिलने वाले दावे पर सामना ने सवाल पूछा है कि आखिर कब आएगी ये सरकार और ये महायुति किसकी होगी। शिवसेना ने लिखा है कि बीजेपी के मौजूदा मंत्रियों को अपनी सरकारी गाड़ी घोड़ा बंगला जाने की चिंता है। शिवसेना अति उत्साही बीजेपी से बार बार यही पूछ रही है कि कहां से आएगा 145 का आंकड़ा। बीजेपी के नेता राज्यपाल महोदय से मिलेंगे तो उसमें हमें कोई डरने की बात नहीं या दुख की बात नहीं। जिसके पास बहुमत है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार बनाएगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए, महाराष्ट्र में सरकार निर्माण और सत्ता को लेकर छिड़ा बीजेपी शिवसेना का झगड़ा पहले दिल्ली पहुंचा, अब इसे संघ मुख्यालय ले जाने की कोशिश हो रही है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को खत लिखते हुए अमित शाह को अहंकारी बताया है और गडकरी को मध्यस्थ बनाने की मांग की है। बीजेपी की बेचैनी इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि पहले शरद पवार से मिलने वाले शिवसेना नेता संजय राउत ने कल मुंबई में कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई से भी मुलाकात की। कांग्रेस ने साफ कहा कि उनका मकसद है किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से दूर रखना। उन्होंने जो नैतिक अधिकार रहता है वो नैतिक अधिकार खो बैठे हैं राजनीतिक राज ये सरकार बनाने का और अभी भी बना ही नहीं। आज 12वां दिन इतने दिन में कुछ हो नहीं रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी सरकार में 50-50 फॉर्मूले पर राजी हो सकती है, लेकिन शिवसेना मुख्यमंत्री पद लेने पर आमादा है, जिसे बीजेपी पहले ही इनकार कर चुकी है। इस लिहाज से आज की तारीख बेहद खास होने वाली है, जहां बीजेपी और शिवसेना दोनों अगली रणनीति पर काम करेंगे। मुंबई से पंकज उपाध्याय और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार को लेकर पेच अब भी फंसा हुआ है। शिवसेना अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है, उसका कहना है कि 50-50 फॉर्मूले पर वो कायम रहेगी। आपको ये भी बता दें कि वहीं बीजेपी ने ये कहा है कि वो 50-50 फॉर्मूले पर कतई राजी नहीं है। संजय राउत को हमने ये कहते हुए सुना कि किस तरह से उन्हें कोई खतरा नहीं है, बीजेपी का हिंदुत्व की विचारधारा से रत्ती भर संबंध नहीं है। ये सामना में लिखा गया है, किस तरह से सामना में निशाना साधा गया है बीजेपी पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। नए विधायकों की खरीद फरोख के डर से 5-स्टार होटल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। गुंडों की धौंस और पैसों का प्रसाद बांटा जा रहा है। बीजेपी को राज्य की चिंता नहीं, सरकार गठन की चिंता है, ये सामना में लिखा गया है। वही सामना में लिखा गया है कि ये राजनीतिक झुंडशाही महाराष्ट्र की परंपरा के खिलाफ है। महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम का शपथ ग्रहण होगा, ये बड़ी तकरार है, लेकिन सरकार बनने की जो पूरी कवायद है वो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अभी तक कोई तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है बीजेपी और शिवसेना में।
पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, एक तरफ तो संजय राउत ये कह रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं है, दूसरी तरफ सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना सामना में साधा जा रहा है। अगर डर नहीं है तो फिर अपने विधायकों को क्यों शिफ्ट किया जा रहा है फाइव स्टार होटल में? क्या लगता है आने वाले वक्त में, आज या फिर कल में सरकार गठन पे कोई फैसला हो सकता है बीजेपी या फिर शिवसेना की तरफ से? नेहा, 5 मिनट पहले ही संजय राउत ने ट्वीट किया है और मैं पढ़ना चाहूंगा, 2 लाइन लिखी है उन्होंने कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अब समझा जा सकता है इशारा किसकी तरफ है। आज बीजेपी का डेलीगेशन गवर्नर से मिलेगा, भगत सिंह कोश्यारी से मिलेगा, लेकिन आखिर नंबर्स कैसे एडअप हो पाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। 12 बजे उद्धव ठाकरे भी आज मीटिंग लेने वाले हैं मातोश्री में, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि तमाम MLAs को क्या 5 स्टार होटल्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी क्या जो राजनीति हमने कर्नाटक में देखी थी वही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्या अब महाराष्ट्र में दिखने को मिलेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। कुछ घंटों में यह भी साफ हो जाएगा, लेकिन शिवसेना का कहना है कि अगर बीजेपी को लगता है वो सरकार बना सकती है तो वो जाए, उसके पास हक है, लेकिन शिवसेना का कहना है जो उसकी डे वन से डिमांड है वो उस पे अड़ी है। सामना में आज एक बार फिर से रिएटरेट कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। सुधीर मुंगंटीवार ने जो गुड न्यूज की बात करी थी उस पर भी काफी सार्कास्टिक टोन सामना ने इस बार एक बार फिर से इख्तियार किया है और कहा है अगर गुड न्यूज है तो उसके आंकड़ों के बारे में ब्यौरा नहीं दिया गया है। यानी सीधे सीधी सी बात तो यह है नेहा कि अपनी पोजीशन से जो डे वन से शिवसेना ने आप संजय राउत के घर के बाहर खड़े हैं, वहां पर इस वक्त क्या हलचल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्या कुछ इसमें संजय राउत कह सकते हैं, इस पर कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कुछ देर बाद संजय राउत नीचे आएंगे, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। कल हमने उनसे यही सवाल किया था कि हो सकता है कि आज बीजेपी सरकार बनाने की घोषणा भी कर दे, तो उन्होंने उनका साफ साफ यही कहना था कि अगर ऐसा होता है तो वो देखेंगे आखिर क्या होगा, लेकिन आज वो नया क्या बोलने वाले हैं उनसे यही सवाल पूछा जाएगा कि बीजेपी तो शायद आज गवर्नर से मिल रही है, दे कैन स्टेक क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो इस पर शिवसेना क्या कहेगी। दूसरा, अब जबकि सामना में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि शिकायतें बढ़ रही हैं, उनके को पोच भी किया जा रहा है, तो क्या बीजेपी शिवसेना के बीच में दरार अभी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि साफ साफ ये इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं? तो ये तमाम सवाल हम संजय राउत से करेंगे, अब देखना पड़ेगा कि उनका जवाब क्या होता है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे पंकज, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। बेहद दिलचस्प यहां पर मोड़ पर पहुंच गई है बीजेपी और शिवसेना की राजनीति, और वहीं कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बीजेपी शिवसेना पर सियासी चुटकी लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। चर्चा तो होती रहती है और आज की राजनीतिक परिस्थितियों में जो बदलाव हुए हैं इसके बारे में चर्चा हुई। महाराष्ट्र की जो जनता ने निर्णय दिया है वो दिया है महायुति को निर्णय, और वो सत्ता स्थापन नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी विवश क्यों हुई है इसके बारे में चर्चा। पंकज उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए सीधे मुंबई से। पंकज, क्या अब तल्खी बीजेपी और शिवसेना के बीच इतनी बढ़ गई है कि दोनों के बीच गठन संभव नहीं है, और अगर गठन संभव है तो क्या दोनों स्थायी सरकार दे पाएंगे? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त ऑपोजिशन पूछ रहा है कि अगर इन दोनों पुराने अलायंस पार्टनर्स के बीच में आज इतनी ज्यादा दूरियां बढ़ गई हैं तो क्या फिर ये प्रदेश में स्टेबल गवर्नमेंट दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। मुख्यमंत्री के पद को लेकर रोटेशनल शिप जो मांग कर रही है शिवसेना डे वन से, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि इवन दो बीजेपी शिवसेना अलायंस के पास नंबर्स हैं वो सरकार का गठन नहीं कर पा रहे हैं। शिवसेना की तरफ से स्टांस डे वन से बिल्कुल साफ रहा है कि जो 50-50 का फॉर्मूला था अगर उस पर अमल नहीं किया जाता तो फिर शिवसेना रिलेंट नहीं करेगी। और मजेदार बात तो ये है कि शिवसेना के पास 56 MLAs हैं, बावजूद इसके जिस तरीका का उसने स्टांस लिया है वो उससे बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही है, और यही कारण है कि बीजेपी की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि बाय एंड बाय शिवसेना रिलेंट जरूर करेगी अगर उसको कुछ खास पोर्टफोलियोज दे भी दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। शिवसेना ने तो ये भी कह दिया है आज सामना में कि अगर बीजेपी कहती है उनके दरवाजे खुले हैं तो
यहां पर शिवसेना के दरवाजे भी खुले हैं, यानी शिवसेना क्लियरली कह रही है कि वो इनिशिएटिव नहीं लेगी, भाजपा को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो ये तकरार कब खत्म होगा, दोनों अलायंस पार्टनर्स क्या साथ में आ पाएंगे या महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज बहुत बड़ा दिन है, 12 बजे उद्धव ठाकरे मीटिंग ले रहे हैं, उसके बाद 2 बजे गवर्नर से मिलने बीजेपी का डेलीगेशन जा रहा है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका सबकी निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति पर टिकी हुई है। आज माना जा रहा है बेहद अहम दिन है और आज कोई अहम फैसला सामने निकलकर आ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अयोध्या विवाद की, जिससे पहले देश में हलचल तेज है क्योंकि देश की नीति नियंता इस कोशिश में लग गए हैं कि अयोध्या विवाद का फैसला चाहे जो कुछ भी आए मगर देश में शांति और सौहार्द कायम रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की। बैठक में मोदी ने अपने सांसदों और मंत्रियों को सीधे निर्देश दिए हैं कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों से शांति बहाल रखने की अपील करें। साथ पीएम ने नेताओं से बेवजह और भड़काऊ बयानबाजी ना करने की अपील भी की है। पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के बुर्ज पर अटकी हैं कि आने वाले चंद रोज में देश की सबसे बड़ी अदालत से देश के सबसे बड़े विवाद का हल निकलेगा। बरसों बरस से चली आ रही एक लड़ाई पर देश की सर्वोच्च अदालत अपने हुक्म का वजन रख देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में मोदी ने अपने मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को और नेताओं को सीधा संदेश दिया कि वो अयोध्या विवाद के फैसले से पहले अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम करने के प्रयास में लग जाएं। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि उकसाने वाली बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, अयोध्या विवाद पर बेवजह बयान देने से बचना चाहिए, सांसद और मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहें, अपने क्षेत्र में सांसद मंत्री शांति की अपील करें। समाज का सभी वर्ग आज इस बात के लिए तैयार है कि अयोध्या के मामले में भी जो भी वर्डिक्ट आएगा वो सबको स्वीकार है और किसी भी तरह से इसको जो है वो जो देश का सौहार्द है, जो देश का भाईचारा है, वो देश का सौहार्द और भाईचारा न कमज़ोर होने पाएगा न बिगड़ने पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही संकल्प है कि समाज की जो एकता है, जो मुल्क का सौहार्द है, वही समावेशी विकास की के हाईवे को मजबूत करता है। माहौल से तनाव कम करने का प्रयास, लेकिन आज मुझे वो दिन बराबर याद है। जब भी उस दिन को याद करता हूं मन को खुशी होती है। न्यायपालिका की गरिमा को बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से सम्मान दिया और कहीं पर भी गर्माहट का, तनाव का माहौल नहीं बनने दिया। प्रधानमंत्री की अपील निश्चित तौर पर लोग मानेंगे, लेकिन मोदी सरकार पूरे तन मन से अयोध्या विवाद के मसले पर देश में शांति व्यवस्था कायम करने के काम में लग गई है। मंगलवार को ही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर आरएसएस समेत कई हिंदू दल और मुस्लिम संगठनों के प्रमुखों की बैठक हुई थी। इस बैठक में भी इसी मसले पर बात हुई थी कि अयोध्या का फैसला चाहे जो हो देश की फिजा खराब न होने पाए। संयुक्त बैठक तो ठीक रही, उम्मीद कीजिए कि अयोध्या विवाद को खत्म करने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा उसे हर समाज, हर वर्ग, हर आदमी स्वीकार करेगा। बरसों पुराने विवाद का अंत अमन का पैगाम लेकर आएगा। बरसों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे दिलों की दूरियां मिट जाएंगी। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में फिर प्रदूषण का जहर लोगों की सांसों में घुल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में सबसे बुरी हालत शाहदरा, ओखला, आनंद विहार जैसे इलाकों की है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में प्रदूषण जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी की स्थिति देखिए, यहां पर प्रदूषण से ये नदी दम तोड़ रही है। झाग लगातार बढ़ रहा है, पानी की जगह वहां पर फैक्ट्री से निकले प्रदूषण वाला झाग काफी जगह पर जमा हो गया है। हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया, देखिए उनकी ये रिपोर्ट्स। देश की राजधानी दिल्ली में कल मौसम खुलने के बाद आज मौसम के बदले बदले मिजाज नजर आते हैं। ये तस्वीरें हम आपको राजपथ से दिखा रहे हैं। आप देखें कि आज यहाँ पर बादल छाए हुए हैं पहले तो, और साथ ही साथ आज थोड़ा स्मॉग भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम प्रदूषण के स्तर की बात करें
तो अभी का जो ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है वो 244 है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। लेकिन आज क्योंकि बारिश का अंदेशा और पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिस कारण आज आसमान में बादल छाए हुए हैं और इसी वजह से आज विजिबिलिटी भी थोड़ी कम है। यहाँ मेरे पीछे मैं आपको राष्ट्रपति भवन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन राष्ट्रपति भवन भी आज नजर नहीं आ रहा है। तो आज देश की राजधानी दिल्ली में विजिबिलिटी भी कम हो गई है। हालांकि बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो प्रदूषण का स्तर जरूर कम हुआ है, जिसके लिए हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 3 नवंबर के बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, जिसके बाद तेज हवाओं के कारण जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स हो सकते हैं, जिससे कि प्रदूषण का स्तर कम होगा। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के द्वारा जो ऑड इवन कार राशनिंग स्कीम इंप्लीमेंट की गई है, आज उसका तीसरा दिन है, तो आज हम ये उम्मीद आज उसका चौथा दिन है तो आज हम ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि प्रदूषण का स्तर कम हो गया है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर जो गाड़ियां निकल रही हैं उसमें भी थोड़ी कमी आ गई है। राजपथ, जो कि दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत इलाका माना जाता है, वहां पर भी सांस लेना कितना दूभर है, देखिए चिराग गोठी की ये रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। बुधवार को थोड़ी राहत थी क्योंकि धूप जो है वो जल्दी निकल गई थी, तो उससे जो प्रदूषण का स्तर था, एक्यू लेवल था, वायु की गुणवत्ता में सुधार था। लेकिन गुरुवार को यानी आज स्थिति अलग है। आज जो प्रदूषण है उसका जो एक्यू लेवल है काफी बड़ा हुआ है तमाम जगहों पर। अगर ओवरऑल बात करें तो करीबन 350 के आसपास चल रहा है। इस वक्त मैं राजपथ पर मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे, आप देखिए इस वक्त राष्ट्रपति भवन नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही धूप जो है वो निकल गई है, तो इससे थोड़ी स्थिति में कहा जा सकता है कि अब 11 बजे के आसपास देखने थोड़ी चेंजेस देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए कि तमाम जगहों पर अराउंड 250 के आसपास जो है रिकॉर्ड किया गया है, कई जगह 350 भी है। ये स्थिति अभी जारी रहेगी। हालांकि पराली लगातार जल रही है, दिल्ली सरकार ने ऑड इवन भी चालू कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। वेदर जो है वो चूँकि 2 दिन ठीक थी, ये कहा जाए कि बुधवार को धूप जो है बहुत अच्छी थी, हवा भी तेज़ चल रही थी, तो इससे जो ये वायु की गुणवत्ता है उसमें सुधार हुआ था। लेकिन गुरुवार को यानी आज स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। और इस वक्त मैं राजपथ पर भी हूँ, यहाँ पर स्थिति ये कहा जाता है करीबन 250 के आसपास ही माना जाए, 250-350 के आसपास रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल स्थिति ये है कि अभी जो प्रदूषण का स्तर है वो इसी तरह का बना रहेगा आने वाले दिनों में भी। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। चलिए अब आपको ग्राफिक्स ये बता देते हैं कि जहरीली दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या है। आरके पुरम 190 यहां पर पहुंच चुका है। आनंद विहार की अगर बात करें 274, जो कि खतरनाक के स्तर पर है। वहीं अगर अलग अलग इलाकों की बात करें, ITI शाहदरा यहां पर 283 और ओखला में 265। वहीं अगर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात करें तो यहां पर 255 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि AQI। अमेरिकी दूतावास दिल्ली यहां पर 200 है। अलग अलग इलाके दिल्ली के जहां पर इस वक्त जहरीली हवा है, पंजाबी बाग AQI 228 के स्तर पर पहुंच चुका है। कश्मीर की बात करेंगे जहां पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिखरी है, पहाड़ों की चोटियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई है। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, लेकिन संख्या कम है। उधर श्रीनगर और दूसरे शहरों में बर्फ की पहली खेप आ चुकी है। हाईवे ठप पड़ गया है, सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, यहां तक कि सारे हाईवे बंद कर दिए गए हैं और जिंदगी ठप है। पहली बार इतनी बर्फबारी से लोगों की परेशानी है। जम्मू श्रीनगर के बीच सड़क का संपर्क टूट गया है। कश्मीर में इस साल एक बार फिर बेमौसम और बेवक्त बर्फबारी शुरू हो गई है। ये बर्फबारी बीती रात से शुरू हो गई और पूरे कश्मीर में इसने तबाही मचा दी है। जिस अंदाज से ये बेमौसम बर्फबारी हुई है, करीब हजारों पेड़ अलग अलग जगहों पर उखड़ आए हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ कई सारे राजमार्ग जो कश्मीर को दूसरी जगहों के साथ जोड़ते हैं वो फिलहाल बंद पड़े हैं। यहाँ तक कि श्रीनगर में भी आवाजाही पर कई जगहों पर पेड़ उखड़ाने से यातायात में फर्क पड़ा है। लोगों को बिल्कुल अनुमान नहीं था कि इस मौसम में जो बारिश का होता है
वहां पर किस तरीके से भीषण बर्फबारी होगी और इतनी तबाही मचाएगी। प्रशासन भी किसी तरह से भी इस बर्फबारी को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं था। तापमान की बात करें तो 3 डिग्री इस वक्त श्रीनगर का तापमान है और कई जगहों पर 0 को तापमान छू चुका है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी जगहों की बात करें, करीब 1 फुट बर्फ सड़कों पर जमा है। हम अगर यहाँ श्रीनगर में देखें, आप श्रीनगर की सड़कों पर देखें, करीब 6 इंच जो है बर्फ यहाँ पर जमा हो चुकी है और गाड़ियों से चलने फिरने में बड़ी दुश्वारियाँ और मुश्किलें आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही श्रीनगर से जो दफ्तर हैं वो जम्मू शिफ्ट हुए हैं। इस वक्त प्रशासन भी पूरी तरह से सोया है। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही कश्मीर में जो जीवन की पटरी है वो बिल्कुल रुक सी गई थी, जीवन थमसा गया था, क्योंकि लगातार जो है हड़ताल थी यहाँ पर कश्मीर में। और अब इस बर्फबारी ने पूरी तरह से कश्मीर के जनजीवन पर और एक मार डाल दी है। गवर्नमेंट के साथ अशरफ आलम, श्रीनगर। आज ये देखिए श्रीनगर और गुलमर्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग हूबहू एक जैसी दिखने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि दोनों ही जगहों पर बर्फबारी हो रही है। लेकिन बर्फबारी के बीच आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त और ठप हो गया है। हालांकि पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक मोटी सफेद बर्फ की चादर सिमट गया है श्रीनगर इस चादर में, और पूरा का पूरा श्रीनगर इस वक्त सफेद दिखाई दे रहा है। भारी बर्फबारी के चलते हाईवे बंद हो चुका है, जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क टूट चुका है और बर्फ की पहली खेप श्रीनगर में आ चुकी है। मौसम तो सर्द हो ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ आम जनजीवन भी रुक सा गया है। ये तस्वीरें श्रीनगर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ताजा बर्फबारी हुई है और इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा। पारा 0 से नीचे जा पहुंचा है श्रीनगर में, और पेड़ हो, पत्ते हो, सड़क हो, सब कुछ मोटी सफेद बर्फ की परत से ढक चुका है। 2 तस्वीरें देखिए श्रीनगर की, यहां पर बर्फबारी से क्या आलम हुआ है। हालांकि पर्यटक इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये मुसीबत का सबक है। बर्फ को सड़क पर से हटाने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर यातायात इस वक्त चल रहा है और इसी यातायात को ठीक रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए वहां पर बर्फ हटाने का काम सड़क से किया जा रहा है। गुलमर्ग की तस्वीर देखिए, यहां पर देश भर से सैलानी पहुंचते हैं हर साल इसी बर्फबारी को देखने के लिए। ये अद्भुत नज़ारा होता है, ये अकल्पनीय नज़ारा होता है, क्योंकि पूरा का पूरा गुलमर्ग और श्रीनगर इस वक्त सफ़ेद दिखाई दे रहा है। इसे कई बार व्हाइट मैजिक का भी नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि श्रीनगर जैसा खूबसूरत जगह पूरे देश में कहीं नहीं है, चाहे वो बर्फ से लिपटी वादियां हो या फिर वहां के झुरमुट और पहाड़, सब कुछ इस वक्त बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। ओके ओके ओके, अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। अशरफ, आपके पीछे बर्फ का अद्भुत नजारा, लेकिन आपसे एक सवाल ये कि क्या उतनी संख्या में सैलानी इस वक्त श्रीनगर और गुलमर्ग पहुंच रहे हैं जितने पिछले सालों में हमने देखा था? श्रीनगर
श्वेता, ये बर्फ देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, पर्यटकों को भी लगेगी और दूर टीवी पे भी लगेगी, लेकिन अगर जीवन की बात करें तो इस बर्फबारी ने पूरी तरह से जीवन की जो जीवन की धारा जो है उसको पटरी से उतार दिया है। ये अनप्रिडिक्टेड, जो मतलब जिसका अनुमान नहीं लगाया गया था कि नवंबर के महीने या पहले हफ्ते में इस तरह कश्मीर में बर्फबारी होगी, इसको लेकर कोई तैयार नहीं था, खासतौर से किसान जो कश्मीर के हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास खबरें आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से कश्मीर के, तो बहुत तबाही इस बर्फबारी ने आम लोगों के लिए मचाई है। हाँ, कुछ पर्यटक बहुत कम कश्मीर में हैं, वो इसका मज़ा ज़रूर ले रहे हैं। तापमान जो है अचानक लुढ़क गया है, कल जहाँ 13 डिग्री का तापमान श्रीनगर में था और इस वक्त 5 डिग्री के आसपास इस बर्फबारी से तापमान श्रीनगर में है, जबकि जो दूसरे पहाड़ी इलाके कश्मीर के हैं अभी भी बर्फबारी हो रही है। कितनी दूर तक ये बर्फ की चादर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो आपको दिखाएगा। ये श्रीनगर का हाल है, क्योंकि श्रीनगर में बाकी इलाकों से बहुत कम बर्फबारी हो रही है। अगर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की बात करें तो वहां पर बहुत ही ज़बरदस्त जो है बर्फबारी रात से ही हो रही है, यहाँ तक कि संपर्क भी टूट गया है कई जगहों का। जो राजमार्ग है श्रीनगर जम्मू का, वो भी बंद पड़ा है बर्फबारी के चलते। जो लद्दाख को जोड़ने वाली सड़क है श्रीनगर करगिल हाईवे, वो भी बंद है। जो मुगल रोड पुंछ को कश्मीर से जोड़ता है, उस पर भी करीब 2 फुट बर्फ पीर की गली के पास जमा हो गई है। जैसे मैंने आपको श्वेता कहा कि बिल्कुल तैयार कोई भी नहीं था इस बर्फबारी इस तरह होगी, बारिशें शुरू हो जाएंगी, फिर अचानक जो है मौसम बदल जाएगा और बर्फबारी होगी। पहाड़ों पर भी ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है और कश्मीर में बहुत कम पर्यटक है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद काफ़ी कम पर्यटक कश्मीर आ रहे हैं। यहाँ के हालात के चलते जो भी पर्यटक कश्मीर में है उनको बिन मांगी मुराद कहीं ना कहीं मिल गई है, वो इस बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जनजीवन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है, जैसे मैंने आपको कहा कि सैकड़ों की तादाद में पेड़ पौधे जो हैं वो इस बर्फबारी से उखड़ आए हैं। अभी हरियाली थी पेड़ों पर और ये पत्ते टूटने से जो है पत्तों पर बर्फ़ की बोझ बढ़ने से ये पेड़ जो है गिर आए हैं। कई सड़कें श्रीनगर में भी बंद पड़ी हैं, प्रशासन भी कहीं तैयार नहीं था कि इस तरह से अचानक रातों रात श्रीनगर में बर्फबारी हो जाएगी, कश्मीर में बर्फबारी हो जाएगी और उससे लोगों को जूझना पड़ा। टेलीफोन लाइनें अस्त-व्यस्त है, बिजली ठप पड़ी है, क्योंकि कई जगहों पर जिस अंदाज से इस बर्फबारी ने आम लोगों के लिए तबाही मचाई है उससे अब जूझने में काफ़ी समय लगेगा। और फिलहाल बर्फबारी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, पिछले 5 घंटे से लगातार पूरे कश्मीर में ये बर्फबारी हो रही है और आप जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे भी किस अंदाज से जो है ये बर्फबारी यहाँ पर जो है हो रही है। और अगर इसी तरह दिन भर बर्फबारी होती रही तो जाहिर है कि दिक्कतें जो हैं आम लोगों की बढ़ती ही जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और दिखा रहे थे अशरफ यहां पर कि किस तरह से पूरे हाईवे इस वक्त ठप हो गए हैं, जिंदगी भी एक तरह से रुक सी गई है, थम सी गई है। और वहां पर बर्फबारी का नजारा भी अशरफ आपको दिखा रहे थे कि कैसे दूर दूर तक बर्फ की सफेद मोटी चादर से पूरा का पूरा श्रीनगर ढक गया है। ये शुरुआती बर्फबारी है, अभी थोड़ी बर्फबारी ही हुई है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर सामान्य जनजीवन एक तरह से रुक सा गया है। पहली खेप से श्रीनगर सफेद हो गया है, पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले पर्यटक काफी कम संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके लिए जैसे मन की मुराद पूरी हो गई है, वहां पहुंचते ही ये बर्फबारी का लुत्फ उन्हें उठाने को मिल रहा है। कई जगह पे हाईवे ठप हो गए हैं, हालांकि इसके बावजूद आपको ये बता दें कि बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। दो तस्वीरें आपके सामने श्रीनगर और गुलमर्ग की, जहां पर एक तरफ आप गुलमर्ग में देख सकते हैं सैलानी पहुंच रहे हैं, गुलमर्ग जाना जाता है पर्यटन के लिए। श्रीनगर का हाल अक्सर बता रहे थे कि वहां पर इस बार सीजन की ये पहली बर्फबारी, जिसकी वजह से टेलीफोन लाइन ठप हो गई है, यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों के लिए जिंदगी सुस्त पड़ गई है। चिंतों की करेंगे जिसने एक बार फिर से आम आदमी के आंसू निकाल दिए हैं। प्याज के दामों में जबरदस्त इजाफा हुआ है, प्याज की कीमत ने 100 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्र सरकार ने बढ़ते दामों के लिए फसल में देरी को जिम्मेदार ठहराया। अभी हम 4-5 डालते थे कांदा, वहाँ पे एक ही डाल रहे। प्याज की कीमत के एक बार फिर पर निकल आए हैं, प्याज के दाम एक बार फिर आम आदमी को रुलाने लगे हैं। प्याज का तड़का अब महंगा हो गया है,
क्योंकि एक किलो प्याज 100 रुपए का हो गया है। प्याज की कीमतें एक बार फिर आसमान पर जा पहुंची है। देश के कई शहरों में एक किलो प्याज 100 रुपए में बिक रही है। देश की राजधानी दिल्ली हो या आर्थिक राजधानी मुंबई, बाजारों में प्याज 60 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में प्याज के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं, जिससे लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली में प्याज 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हम इस वक्त पहाड़गंज में हैं, रिटेल सब्जी मंडी है और यहां पर अगर आप देखेंगे लगभग सभी सब्जियों के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी वजह जो बताई गई है वो ये है कि पीछे से ही जो सप्लाई है वो बहुत शॉर्टेज है। मुंबई के बाजारों में भी प्याज 60 से 80 रुपए किलो के बीच बिक रही है, लेकिन जल्द ही इसके 100 रुपए प्रति किलो तक जाने की आशंका है। पिछले 3-4 महीनों में ही कांदे का दाम 20 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए किलो अब पहुंच चुका है। अब इसका कारण क्या है? कारण जानकार ये बता रहे हैं, पहला तो अनसीजनल जो बारिश हुई है, दूसरा अनफेवरेबल गवर्नमेंट की पॉलिसीज, और तीसरा पिछली प्रोड्यूस की जो खेप थी वो अब मार्केट में बहुत ज्यादा कम है। भोपाल में भी प्याज के दामों का कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ के बाजारों में भी प्याज 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। जल्द ही इसके और ऊपर जाने के आसार हैं। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्याज फिलहाल 80 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। दुकानदार जो है उनका साफ तौर पर यहाँ पे कहना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भीषण बारिश और बेहद तेज बारिश इस साल हुई थी, काफी फसलें खराब हुई है और महाराष्ट्र में जहाँ से प्याज की आवक मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडियों में होती है वहां पर अभी भी रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते जो नई प्याज है वो फिलहाल मध्य प्रदेश की मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है और जो ऑलरेडी स्टॉक में प्याज मध्य प्रदेश में है वो बेहद सीमित संख्या। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। कोई नहीं टूटे, इशारा कि शिवसेना के विधायक को शिफ्ट करने की बात की जा रही है, कितनी सच्चाई है उसमें? हाँ, ये बात जो सामने आ रही है, ये अफवाह कौन उड़ा रहा है उसका हम अभी धुन निकाल लेंगे। शिवसेना के सभी MLA विधायक आज मातोश्री पर उनको बुलाया गया है, उनसे बातचीत भी उद्धव जी करेंगे, उनको मार्गदर्शन करेंगे। राज्य में जो एक स्थिति पैदा हुई है भ्रम की, उस बारे में बताएंगे। शिवसेना क्या करेगी, क्या करने जा रही है, उस बारे में उद्धव जी अपने विधायकों को आपने कहा कि हम मुद्दे की बात करेंगे, अगर मुक्के की बात करेंगे तो मुक्के से समझाएंगे। ये तो शिवसेना का स्वभाव है, ये तो स्वभाव है, मुद्दे बुक्के शिवसेना को सब कुछ आता है। सर, एक लीक साइड का सवाल है, संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो पहला सबसे बड़ा फैसला क्या लेंगे? सर, सबसे पहले संजय राउत बयानबाजी नहीं करता है, ये आपका शब्द गलत है। संजय राउत ने कभी बयानबाजी नहीं की। संजय राउत पार्टी चीफ, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी की भूमिका आपके सामने आकर बता देते हैं, वो भी आप पूछते हैं। संजय राउत पार्टी की भूमिका लेकर सामने आते हैं, बयानबाजी करना शिवसेना का स्वभाव और धर्म नहीं है, ये पहला सवाल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, संजय राउत का कोई आशा आकांक्षा हमेशा कभी ना मंत्री बनने की रही ना मुख्यमंत्री बनने की रही। मैं मेरे पार्टी के लिए काम करता हूँ, मैं मेरे पार्टी प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी के लिए काम करता हूँ, मैं महाराष्ट्र के लिए काम करता हूँ। एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में उभरे हैं सर, या यूँ कहा जाए कि लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा वापस शब्द लीजिए बयानबाजी। अच्छा, वापस सर, ये कहा जा रहा है कि लोगों के द्वारा कि प्रशांत किशोर की भूमिका निभा रहे संजय राउत। नहीं, प्रशांत किशोर की भूमिका हमको निभाने की जरूरत नहीं, मैं एक शिवसेना की भूमिका निभा रहा हूँ, मैं कोई पेड़ वर्कर नहीं। सर, अगर आज BJP दावा पेश करती है तो शिवसेना का अगला कदम क्या होगा? मेरा कदम कुछ नहीं, हमारा कदम कुछ नहीं है, जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाएंगे। बहुमत दिखाना जरूरी है राज्यपाल को, अगर राज्यपाल के पास आप बहुमत नहीं दिखा सकते तो आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर बहुमत सिद्ध करने के लिए टेस्ट लेना पड़ेगा ना, बहुमत सिद्ध करने के लिए ये अग्नि परीक्षा है। तो हमारी शुभकामना है
या आपने अग्नि परीक्षा पार कर लिया और महाराष्ट्र की स्थिर सरकार। सर, आरएसएस से कोई बात हो पाई, उद्धव जी की मोहन भागवत जी से बात हुई है, ऐसी बात सामने? कोई नहीं, इस प्रकार इस प्रकार की कोई बात, भैया जी जो इस प्रकार से कोई बात किसी से नहीं हुई। सर, आजचा अग्रलेख हा पूर्णतः आक्रमक आहे। कोण बाटगे आहेत जे भाजपमधले जे शिवसेनेच्या आमदारांना खरेदी करू पाहतात? मी शिवसेनेच्या आमदारांविषयी बोललो नाही, तुम्ही अग्रलेख पुन्हा वाचा। शिवसेनेच्या आमदारांना आसपास फिरकायची पण कुणाची हिंमत नाही। मी फक्त ज्या गोष्टी आमच्या कानावर आल्या, इतर पक्षातल्या काही आमदारांनी आमच्याशी संपर्क करून काही गोष्टी आमच्या कानावर घातल्या, त्या संदर्भातलं विधान आहे। शिवसेनेच्या आसपास वारायलाही उभं राहायची हिंमत कोणाची नाही, हिंमत करून दाखवावी। भाजपमधले हे कोण आहेत, बाटगे कोण आहेत? येईल समोर समोर येईल ना, ते एकाच दिवशी कशाला सगळं पोतळी उघडू आम्ही। ट्विट तर तुम्ही फार गांभीर्याने घेताय, मला रोज एखादी शेर एखादी कविता आवडते। आता सध्या राष्ट्रीय विषयावरती आपण बोलतोय म्हणून हिंदीमध्ये करतो, अनेकदा मराठीत सुद्धा करतो। आणि दुष्यंत कुमार हे माझ्या फार आवडीचे कवी आहेत, बशीर बद्र, दुष्यंत कुमार, मी रात्री आलो की त्यांचं काही ओळी वाचतो। का दुष्यंत कुमार हा या देशातला हिंदीतला उर्दूतला एक महान कवी आहे, आपण वाचत चला, आपल्याला शांतता मिळेल। स्टेट जो महाराष्ट्र येणार ना, अटलजी सुद्धा मोठे कवी आहेत, अटलजी येतील, हरवंशराव बच्चन येतील, बरं का, नीरज कुमार येतील, सगळे येतील। लिखा है की हम भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं लेकिन कीट पतंगे नहीं आना चाहिए, ये कीट पतंगे का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए महाराष्ट्र में तो नहीं लेकिन कुछ जगह पे डेंगू मच्छर घूम रहे हैं, तो हम महाराष्ट्र को स्वच्छ हेल्दी रखना चाहते हैं। भाजपचे मावळते मंत्री सुधीर मुनगंटीवार दररोज म्हणतात की गोड बातमी मिळेल, त्याच्यावरती आता संपादक आहे सर? म्हणजे गोड बातमी मिळेल, पण ती गोड बातमी काय ती पाहावं लागेल, कोण कुठे जन्माला आलाय, बारसं कोणाचं आहे का, लग्नाच्या पत्रिका कुठे वाटायच्या आहेत का। अजून गोड बातमी आपण काय म्हणतो, लाडवाचे जेवण देतो आपण, ती गोड बातमी काय असते? पण मला खात्री आहे एक दिवस ही गोड बातमी घेऊन स्वतः सुधीर भाऊ येतील आणि सांगतील महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हा शिवसेनेचाच होत आहे, हीच गोड बातमी।